अब आने वाले समय में जो आपको अदालतों में मुमकिन है कि ज़्यादा महिला वकील देखने को मिले। जी, एक अच्छी खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे आदेश पर मुहर लगाई जो महिलाओं को ज़्यादा सशक्त करता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। अब उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन चुनाव को लेकर के बड़ा फैसला सुना डाला है। कोर्ट ने SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने 2 मई को पारित किया। SCBA के पदाधिकारियों का एक पद बारी बारी से और रोटेशन के आधार पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये विशेष महिला आरक्षण 2024-25 के चुनाव के लिए कोषाध्यक्ष पद से शुरू होगा। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि SCBA की कनिष्ठ अधिकारी कार्यकारी समिति और वरिष्ठ कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई आरक्षण होगा। पीठ ने आदेश में कहा है कि हमारा विचार है कि SCBA द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव के बावजूद कार्यकारी समिति में कुछ पद बार की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होने चाहिए। पीठ ने BD कौशिक के मामले में पुराने फैसले को स्पष्ट करते हुए आदेश दिया कि इस बार के चुनाव में SCBA के कोषाध्यक्ष पद को महिला के लिए आरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस साल 9 में से 3 कार्यकारी सदस्य और 6 में से 2 सीनियर कार्यकारी सदस्य महिलाएं होंगी। हालांकि आरक्षित पदों में SCBA अध्यक्ष का पद शामिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने आगे ये कहा है कि उम्मीदवारों की योग्यता और शर्तों में आवश्यक बदलाव और सुधार को लेकर 8 प्रस्ताव आए लेकिन सभी नाकाम हो गए। इनके अलावा एसोसिएशन का सदस्य बनने के लिए फीस और चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जमानत राशि को लेकर भी लाया गया प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। ऐसे में कोर्ट ने माना है कि नियम, योग्यता, शर्तों और फीस को लेकर के फैसला लेने की जरूरत है क्योंकि इन चीजों को दशकों तक लटकाए नहीं रखा जा सकता है। समय रहते सुधार और बदलाव जरूरी है, कोर्ट ने कहा। SCBA इस बाबत अपनी वेबसाइट या दूसरे तरीकों से 19 जुलाई तक सुझाव मंगाए। इसके बाद आम वकीलों से मिलने वाले ये सुझाव डिजिटल या प्रिंटेड फॉर्मेट में संकलित करके कोर्ट के सामने पेश किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 16 मई को होने वाले हैं जिसके नतीजे 19 मई को घोषित किए जाएंगे और इन चुनाव में महिला वकीलों को आरक्षण मिलना वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम है।